बिजोलिया के चंपापुर के ग्रामीणों ने सहायक खनी अभियंता पुष्पेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी महेश चंद्र मान और तहसीलदार लाला राम यादव को ज्ञापन सौंपकर चंपापुर में चल रहे अवैध खनन को बंद करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि ग्राम आंटी चंपापुर में गांव के आबादी क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है। अवैध खनन कार्यकर्ताओं द्वारा गांव के स्कूल के पास स्थित रास्ते पर अवैध खनन कर रास्ते को खुर्द बुर्द कर लाखों रुपए कीमती सैंड स्टोन पत्थर काटा जा चुका है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन खनिज विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके चलते अवैध खनन कर्ताओं के हौसले बुलंद है। ग्रामीणों द्वारा सोमवार को भिलवाड़ा पहुंचकर जिला कलेक्टर को भी अवैध खनन बंद करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। हमारे गांव चंपापुर में अवैध खनन चल रहा है और हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों बच्चियों को परेशानी आ रही है। रास्ते में चौराहे से स्कूल तक जाने का रास्ता है, बिल्कुल इर्द गिर्द हो रहा है और इस रास्ते पर दिन में बच्चे बच्ची स्कूल जाते हैं तो वहाँ परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहाँ पर डंपर चल रहे हैं, मशीनें चल रही है और हम स्कूल में जाके बोला, सर हमारे बच्चे बच्ची स्कूल रोज क्यों नहीं आ पा रहे? तो सर ने बोला, तुम्हारे गांव में तो बीच में खाने चल रही है ये, इसलिए हमारे को बार बार छुट्टियाँ रखनी पड़ रही है, आप आगे जाके शिकायत करो, ये करो। हमने फिर यहाँ आके बिजली आके माइनिंग में और तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को हमने एक एक दो दो बार रिपोर्ट दी तो हमारी सुनवाई टाइम पर नहीं हो पा रही है।